18.66 पे, यानी कि इसके पिछला वाला जो वर्स है उस पर भगवद्गीता कंप्लीट हो जाती है। द कॉन्टेंट ऑफ द गीता इज कंप्लीट। अब उसके बाद अरे किसको सुनाने चाहिए किसको नहीं सुनाने चाहिए, जो सुन लेता है उसको क्या लाभ मिलता है। अब ये अब उसके बाद वो बोला पाठशाला बेसिकली, सो कि अब भगवान ने बता दी गीता, भगवान ने बता, लेकिन किसको ये गीता मत सुनाना। अच्छा किसको नहीं सुनाना जी, बता रहे हैं ना तपस्काय, जो लोग तपस्या ना करते हो ना ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहिए, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। यानी आलसी लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। वैसे तो ये लोग सुनने के लिए वैसे भी नहीं आते क्योंकि आलसी हैं, तो घर से निकलेंगे नहीं, इनको चाय पकौड़े और उनसे फुर्सत नहीं होती, तो फिर ये कहाँ आने वाला कहता है क्या है? वो गंजे सुनाएंगे, पागल कर देंगे हम लोग को, छोड़ यार पकौड़े वकौड़े खाओ खाओ, दही बल्ले करो बल्ले बल्ले और क्या। तो जो तपस्या का भाव नहीं रखते ऐसे लोग गीता की क्लास में कभी आने पाते, आते हैं तो मस्त होकर सोते हैं एकदम, मतलब उनका तो अपने एलप्रेक्स के गोलियों के खर्चे खत्म हो गए उनके, कहते सोना है क्लास में बैठ जाओ एकदम, बहुत बढ़िया नींद आती है। कई लोग तो कथा में आते इसलिए मस्त सोने के लिए आते हैं वो। यस एक बार एक व्यक्ति तो आया करता था कथा में, आते ही बैठता था सो जाता था। तो कथावाचक बोलते यार रोज आता है बंदा और आते ही बैठते ही सो जाता है, मतलब तो कथावाचक ही फर्स्ट एड हो गया, मतलब लो आ गया आ जाओ बैठ जाता था। उसके बाद तो आप ये है कि भाई वो क्या खड़ा हुआ है वो देखा हुआ है, तो भाई अब ये अभी आ गया लो बैठ गया, बैठ गया वो। उसका जब वो सो जाता था फिर कथा समाप्त होने उठता था वो, कह लो चला गया। तो रोज ये व्यक्ति से ये तीन वर्ड ही सुना, लो आ गया लो बैठ गया लो चला गया, बस ये तीन सेंटेंस सुने, बाकी टाइम वो कथा में सोया मस्त एकदम। सो ये व्यक्ति सो रहा था तो ना चोर से घर में घुसा, इसको कथा का वो पहला सेंटेंस याद आया सपने में, लो आ गया। चोर बोले नहीं यार लगता है बंदा सोया हुआ नहीं है, सिर्फ लेटा हुआ है, ये थोड़ी देर वेट करता हूँ उसके बाद कुछ करते हैं काम। उसके बाद नहीं बैठ गया, लो बैठ गया, कन्फर्म्ड है भाई ये आदमी सो नहीं रहा है, ये जगा हुआ है, भाग लो बेटा यहाँ से। जब जा रहा था कहते लो चला गया। मतलब अगर कथा में सो जाए तो भी लाभ मिलेगा आपको कि आपके घर में चोरी नहीं होगी, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कथा में सो जाना चाहिए। मतलब पॉइंट इज कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ना तपस्या है, यानी कि तपस्या का भाव उनका नहीं है, मतलब दे डोंट टेक फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कई लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, करते कुछ नहीं, उसके बाद लाइफ एज इट इज वही उनका दारू सिगरेट यारी दोस्ती टंगड़ी पंगड़ी सब कहता है, कहते हैं पूछ भी सुनने अच्छा लगता है, बढ़िया बोलते हो आप, ऐसे बोलते रहो हमारी टंगड़ें चलती रहेंगी, दे धनादन ना तपस्या है। ये अपने जीवन में कोई बदलाव लेने के लिए नहीं आते लोग, दे कम जस्ट कि अच्छा है, अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर, नाइस शरीफ लोग हैं, बाहर नवाज शरीफ यहाँ सब शरीफ, वेरी गुड नाइस वेरी गुड। तो कुछ लोग कम्युनिटी को इंजॉय करने के लिए आते हैं ना तपस्या है, उनका और कोई भाव नहीं वैसे, सो ऐसे वो लाइट हार्टेड ही रहते हैं और सालों साल बीत जाते हैं, दे रिमेन एज इट इज। हमारे इस्कॉन में ऐसे लोग हैं जो पिछले 15 साल से आ रहे हैं एज अ गेस्ट, उसके अंदर 1 मिलीग्राम अंतर नहीं आया उसके अंदर, बिकॉज उनके अंदर कुछ चेंज करने की इच्छा भी नहीं। तो इसलिए लोग आते हैं दर्शन करते हैं, जय हो जय हो आती बड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। जैसे वृंदावन में देखो कई लोग बांकी बिहारी के पास जाते हैं, बट दे डोंट फॉलो एनी कल्चर। हालांकि बांकी बिहारी तब से सोच रहे हैं तुम इतने सालों से आ रहे हो नालायक हो, कुछ तो करो, जय हो बांके बिहारी लाल की जय, फटा पुराना नोट लो, जय बांके बिहारी कृपा रखो मेरा बिजनेस फलता फूलता रहे, इसके अलावा ना तुम मेरी शक्ल देखो ना तुम्हारी शक्ल देखूंगा। तो इसलिए बाकी बिहार के यहाँ कहीं आते हैं बट दे डोंट टेक टू भक्ति, तो ना तपस्या है। अच्छा मान लो कोई तपस्या करने वाले भी ऐसे लोग हैं, तपस्वी लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भगवान अगला बात बता रहे हैं ना भक्ता है, लेकिन अगर वो मेरा भक्त नहीं है ना तो भी उसको मत देना। क्योंकि कुछ लोग ना तपस्या करने वाले होते हैं लेकिन भक्त नहीं होते। मुझको याद है मैं पहाड़गंज में था और पहाड़गंज ने एक बात आदमी ने ब्लैक रंग का उसने गाउन पहना हुआ था, उसके जटाएँ थी, उसकी हाथ में त्रिशूल लिया उसने, राख वाख मली हुई है, त्रिपुणधारी धनाधन एकदम बढ़िया एकदम। मैं कहा ये बढ़िया लग रहा है व्यक्ति, इसको देते हैं भगवद्गीता। मैं कहा सर हियर इज भगवद्गीता फॉर यू, जर्मनी से था वो, स्पेशली इंडिया आया था फॉर दिस मिस्टिसिज्म एंड एसेटिसिज्म। मैं कहा हियर इज भगवद्गीता फॉर यू सर प्लीज, आई डोंट हैव एनी मनी। इट्स ओके सर, सर 100 रुपये की है बस, 100 रुपीज़ या नहीं है 100 रुपये, आई डोंट हैव 100 रुपीज़। मैं कहा ओके सर फॉर यू डिस्काउंट 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ आई विल पुट फॉर माई पॉकेट, यू टेक है ना।
मैं कहा ओके सर फॉर यू 10 रुपीज, 90 रुपीज आई विल गिव फ्रॉम माई पॉकेट, 10 रुपीज यू गिव 10 रुपीज भगवदीता योर्स एंड आई डोंट हैव इवन 10 रुपीज। मैं कहा ठीक है आपके लिए फ्री। मैंने कहा साधु आदमी हूँ भाई, आपसे क्या पैसे लेने, हाँ हमारी तरफ से ये फ्री रखो भगवदीता। कहता नहीं चाहिए। मैंने कहा फ्री दे रहा हूँ, मैं पैसे मैं भर रहा हूँ, आई पुट फ्रॉम माई पॉकेट, आई कॉन्ट्रीब्यूट, आई एम गिफ्टिंग यू। नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं क्यों नहीं चाहिए, दिस इज ऑल दिस इज कौन गीता राइट, दिस ऑल कृष्णा 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 कृष्णा, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। बट भगवदगीता इज ऑल अबाउट कृष्णा, मन मना मद भक्तो मध्यादि मां नमस्कारो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी मेरी पूजा करो, मैं तुमको सारे अवरोध से पार कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। इट्स अबाउट कृष्णा, अरे आई डोंट लाइक दिस कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुना भक्त न भक्ताय, जो प्रभु का भक्त नहीं है ना, भरी तपस्वी आदमी हो, जर्मनी की लाइफ छोड़ करके इंडिया में आया, त्रिशूलधारी गाउन वाउन पहना, उसने जींस वींस पहना छोड़ दिया, चटाएं बनाई हुई उसने, पहाड़गंज की गलियों में घूम रहा है वो, चरस गांजा कर रहा है हालांकि ना भक्त आया। जो भक्त नहीं होता, प्रभु का हरि का भक्त नहीं है, उसको भी फिर समझने में मुश्किल आएगी। अच्छा आगे बता रहे ना चुश्वे, यानी इसकी ना सुनने में रुचि ना हो, ऐसे लोगों को भी नहीं बताना चाहिए जिनकी सुनने में कथा में कोई रुचि नहीं होती है। तो जबरदस्ती उनको पकड़े नहीं सुनो 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 नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ना चाशुशुए, नहीं सुनाना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है जी। अच्छा मान लो को सुनने के लिए भी अगर आ जाता है तो वहाँ आखिरी बोल रहे हैं असूयति, अगर तो व्यक्ति कर सूयति यानी कि उसमें अगर ईर्षा है ना, सो देन उसको मत सुनाओ भगवदगीता। जैसे कई लोग भगवान कृष्ण से ईर्षा करते हैं, क्यों अरे इतनी गोपी क्यों यार, इस आदमी की इतनी गोपियाँ हैं, क्या है ये, तो तेरे को क्या हो गया भाई, जब गोपी को दिक्कत नहीं तो तेरे को दिक्कत क्या है, किसी गोपी को दिक्कत, कोई गोपी गई FIR दर्ज कराने के लिए कि आज इस आदमी ने और गोपी बना के रखी है, कोई दिक्कत किसी को ना, किसी गोपी को कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को दिक्कत क्या है फिर यार, इतनी है यार, एक हमारे पास हमारे एक भी नहीं हमारी तो ये क्या है सुयते, यानी कि ईर्षा है कि इनकी तो इतनी गोपियां हैं, हमारे तो एक भी नहीं है, दो थी तो उसके लिए डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी हमको, उसका दोनों में आपस में हो गई ईर्ष्या। अच्छा तो तेरा चक्कर उस चुड़ैल के साथ भी है, अब देख, और दोनों मिलकर के बंदे की ऐसी बाट लगाती हैं, बंदा खलास। अरे और ये कितनी गोपियां हैं इनकी जी कृष्ण की, कहते ये 10,000 करोड़, व्हाट ये नंबर तो बहुत ईर्ष्या देने वाला है, 10,000 करोड़ and he is dancing with each one of them, what suyati, irsha hoti hai krishna se. jaise aap dekhiye zyada jo dharm hai na, jaise abrahamic religions hai, they describe god as controller, they describe god as creator, they describe god as proprietor, but they do not describe god as enjoyer. god as enjoyer is only described in sanatan dharma. तो बाकी धर्मों में ये गॉड एज एन एंजॉयर क्यों नहीं बताया गया, बिकॉज जैसे कोई एंजॉय करता नजर आता है पहली चीज हृदय में क्या आती है, ईर्ष्या, कहते ये एंजॉय कैसे कर रहा है यार, हाउ कम। तो इसे अब्राहमिक रिलीजन से भगवान को ऊपर रखा है, जन्नत में रखा है, जन्नत में रहो वहीं रहो, हमें यहाँ मजा करने दो, तुम वहां रहो जो करना, तुम पॉपकॉर्न खाओ, समोसे खाओ, कचौड़ी खाओ, जो खाना है खाओ, हमें यहाँ रहने दो, तुम वहां रहो। तो इससे आप देखिए ज्यादातर गॉड की डिपिक्शन कैसे की जाती है, वो है ना होते ना बादल बने हुए हैं, बादलों में सोफा है, सोफे में बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, गॉड जैसे यूरी गागरिन व्हेन ही वेंट टू स्पेस, और नील आर्मस्ट्रांग दोनों से पूछा गया था, सर यू वेंट टू स्पेस, वहां भगवान को देखा हमने, यू वहां से स्पेस शटल से उतरे तो भगवान बैठे सोफे में, हे गाइस गॉड माय आधार कार्ड। सो नील आर्मस्ट्रांग के और यूरी गागरिन इनके पसीने छूट गए थे व्हेन A reporter asked them, you know, when you went up there in the space, did you see God? So, actually we did not see. तो कई लोगों का ना विश्वास उठ गया था, अरे यार हमें तो लगा था भगवान ऊपर कहीं बैठा है, ऊपर ऊपर से झांकता रहता है, hey guys, what do you want? Yeah! उनकी blessings ऐसे निकलती होगी light के रूप में ना, Bluetooth technology, Wi-Fi and all that. वहां कोई नहीं था। तो फिर यहाँ पर जो भक्त ने बताया, अरे जी जिस व्यक्ति को यहाँ पर भगवान नजर नहीं आया उसको आसमान या खाक नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर जगह पर भगवान को ऊपर क्यों बिठा कर खावे, नीचे नहीं रखे आते उनको, रीजन बीइंग एज सून एज वी सी दैट गॉड इज देयर इन दिस वर्ल्ड
वी ट्राई टू ह्यूमनाइज गॉड कि भगवान हमारे ऐसे ही है। हिसाब देखो दुनिया के अंदर क्या है, जो भगवान है उनको लेके डाउट है, पता नहीं है, है नहीं है, और जो नहीं है उनको लेके रहे ये भगवान है भाई। मान लो किसने सेब निकाल दिया, ले बच्चा तेरा कल्याण होगा, संतरा खा तेरा कल्याण होगा, तेरा बच्चा वाला होगा, चीकू खा तेरे को मांगलिक लड़की मिल जाएगी। वाह क्या बात है, जय चीकू महाराज। पर ऐसा क्यों है? रीजन बीइंग पीपल आर एनवियस ऑफ गॉड। और कहीं ना कहीं देखो इन दिस वर्ल्ड वी ऑल आर ट्राइंग टू प्ले गॉड, बिकॉज गॉड का फंक्शन क्या है? कंट्रोलर, क्रिएटर, एंजॉयर एंड प्रोवाइडर, एंड समवेयर वी ऑल प्ले दीज फोर रोल्स इन दिस वर्ल्ड। वी ट्राई टू डू बी अ क्रिएटर, मैंने कुछ बनाया, चाहे किचन में बनाया या बिल्डिंग बनाया, कुछ भी बनाया, लेकिन मैंने बनाया, आई एम अ क्रिएटर एंड आई एम कंट्रोलर, आई वॉन्ट टू कंट्रोल पीपल, आई वॉन्ट कंट्रोल माई बिजनेस, आई वॉन्ट कंट्रोल माई फैमिली, माई सेविंग्स, कंट्रोल, कंट्रोल भी करना चाहते हैं हम लोग। प्रोपाइटरशिप, ये कोठी हमारी है, इसकी पीछे वाली कोठी भी हमारी है, हमने बीच में सुरंग बनाई हुई, तो आना जाना हमारा लगा रहता है उसमें, और हमारा एक यूरोप में भी हमारा एक बंगला है, जो नायग्रा फॉल्स है ना उसके बिल्कुल नीचे वहाँ पर हमारा एक 3 BHK फ्लैट है, झरने की छींटे हमारे चाय के प्याले में गिरती हैं। ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा बहुत ही हमारा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे हम लोग प्रॉपर्टी तो खरीदते रहते, क्या करें, ये कहना चलते चलते ही ना इनके जेब से पैसे गिरते ना उठाते नहीं, कहते कि जब तो उठाऊंगा उतने तो मैं इतने से ज़्यादा कमा लूंगा। सो ट्राइंग टू प्ले प्रोप्राइटर एज वेल। एक बार अकबर ने पूछा अपने मिनिस्टर से कि ऐसा कौन सा काम है जो कि मैं तो कर सकता हूँ लेकिन खुदा नहीं कर सकते। सो सारे मिनिस्टर जैसे आप सोच रहे हैं, सब मिनिस्टर सोचने पड़ गए, तो बताइए ऐसा कौन सा काम है जो कि अकबर कर सकता है लेकिन खुदा नहीं कर सकता। हाँ जी पूजा, भगवान ने पूजा की हुई है, लक्ष्मण इज एक्चुअली भगवान, किसी पूजा की, राम जी की। सो क्या भगवान भगवान की पूजा करते हैं? करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इज गॉड, इज वर्शिपिंग कृष्णा गॉड, सो गॉड कैन वर्शिप गॉड, होता है। और घमंड, देखो वैसे भगवान घमंड करते नहीं, भगवान घमंड कर सकते लेकिन भगवान करते नहीं। या टू सम एक्सटेंट यस, वी आर वेरी क्लोज, व्हाई ही कांट बी जेलस ऑफ एनीवन? यस, अच्छा ओके वेरी गुड। हाँ सब कुछ, क्योंकि सब कुछ उन्होंने बनाया है तो सब कुछ किसी कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में, क्योंकि उन्हें कंट्रोल में है, एंड दैट्स व्हाई ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। तो बीरबल ने कहा जहां पर ना एक ऐसा काम है जो कि आप कर सकते हैं लेकिन खुदा नहीं कर सकता, और वो ये है कि अगर आपका कोई कहना ना माने। हाँ बताइए माता जी। हाँ यस, भगवान अपनी सृष्टि से किसी को निकाल नहीं सकते क्योंकि उनकी सृष्टि के बाहर भी क्या है, उन्हीं की सृष्टि है। सो प्रोपाइटरशिप, बट समय वी ट्राई टू प्ले प्रोपाइटर एज वेल, पर लास्ट फंक्शन है जिसमें कि ईर्ष्या आ जाती है, एंड द लास्ट फंक्शन इज बीइंग एंजॉयर। गॉड इज एंजॉयर, जैसे वो हम बता रही है, चारों जो है जो करता हो ऐसे व्यक्ति को मेरा ये दिव्य ज्ञान नहीं देना। लेकिन हैरानी के बाद देखो भक्त लोग ये चारों वायलेट करते हैं, जो आलसी लोग हैं उनको भी गीता पकड़ाते हैं, क्यों नहीं पकड़ाते, बिल्कुल पकड़ाते हैं। हमारे एक डिवोटी गीता पढ़ रहा था, शराबी मिल गया उसको, उसके दोनों हाथों बोतल थी, तो भक्त बोला गीता ले लो, हमारे दोनों हाथ बिजी है, तो ऐसा करो, ऐसा किया तो भक्त ने यहाँ से गीता लगा दी उसके, कहता आप बंद करो, कहते देख गीता आ गई ना यहाँ पर, कहता अरे तो आ गई, कहते लेकिन पैसे कैसे दूंगा, मेरे तो दोनों हाथ बिजी हैं। भक्त ने चिंता मत कर, उसके पीछे की जेब से पर्स निकाला, कहते ये 100 रुपये निकाल रहा हूँ, बाकी वैसे रहता हूँ, कहता ठीक है। कहते अरे वहाँ हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, हमको गीता मिल गई। ऐसे प्रभुपाद ने गीता किन को पढ़ाई, हिप्पीज को, ये LSD मैरिजुआना इलिसिट सेक्स रॉक एंड रोल, ये तपस्या आए हैं, ये तो अतपस्या है, तो पसंद करने वाले। सो भक्त जो तपस्या नहीं करता उसको भी गीता दे रहा है। अच्छा जी, न भक्ताय, जो भक्त नहीं है उसको भगवत गीता भी पकड़ाते हैं हम लोग, नास्तिक लोगों को पकड़ पकड़ के गीता देते हैं, अरे रखिए ना सर, अरे कोई बात नहीं, कृष्ण को कोई भगवान को मत नहीं मानते तो भी गीता पढ़िए, आप लाभ मिलेगा आपको।
जैसे एक माता जी थी, शी वाज डूइंग हर पीएचडी इन एथिज्म. भक्त ने उनको गीता पकड़ा दी, वो पढ़ करके वो उन्होंने अपनी थीसिस लेके जला दी. वाओ, बट पीएचडी इन एथिज्म, नास्तिकता, निरीश्वरवाद में पीएचडी. सो न भक्त आए वाले को भी गीता भक्त लोग देते हैं. अच्छा, ना शिशु है जो सुनना नहीं चाहता, उसको भी गेम गेम प्रकार SMS मैसेज भेज भूज करके कुछ ना कुछ उसको भी कर देते हैं. और सुई अवे जो ईर्षा वाला व्यक्ति है उसको भी गीता मार देते हैं. तो ऐसा क्यों जी, ये भक्त लोग भगवान कहना क्यों नहीं मानते? फिर ये बताइए, भक्त लोग भगवान कहना क्यों नहीं मानते? भगवान तो मना कर रहे हैं, पर भक्त लोग चारों इंस्ट्रक्शंस को वॉयलेट करते हैं. वाई इज दैट सो? कौन बताएगा हमें? कुछ तो सीखेगा. यस, बिल्कुल सी बात है. और हाँ जी, कौन बताएगा, बताइए. वाई डू डिवोटीज वायलेट दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा? हैं जी, भक्त भी कंट्रोल में नहीं है. भगवान ने कहा तुम नलायक हो, तो मानते नहीं कहना, बदतमीज. और हाँ जी, तो भगवान का दर्द जो है देख पा रहे हैं, लेकिन भक्त नहीं देख पा रहे हैं. अच्छा ठीक है, वेरी क्लोज, वेरी गुड. और हैं जी, भक्त बनाने के लिए भगवान ने मना किया ना उनको देने से. ये तो भगवान का कहना नहीं मान रहे डिवोटीज. तो फिर तो सेम सवाल पूछा गया था हमारे श्री प्रभुपाद जी से कि हाँ, भक्त लोग ऐसा क्यों है कि भगवान का कहना नहीं मान रहे? हाँ जी बताइए. तो लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध प्रयास करना चाहिए, भगवान की इच्छा के विरुद्ध. भगवान बता रहे हैं, हम कहते हैं हम प्रयास करेंगे आपकी इच्छा के विरुद्ध. हाँ हाँ, सफल हो जाए बस भगवान का कहना ना मान करके. बड़े बदतमीज भगत लोग हैं तो. हाँ जी, भगवान कह रहे हैं एक समान मत देखो, मना कर रहे हैं, तो हम भगवान का कहना न मान करके एक समान देखें. हाँ जी, ये कंडीशन थी सत्ययुग की, बट अब तो फिर कोई मिलेगा ही नहीं अगर हम इतनी स्ट्रिक्ट हो गए. ये तो हाँ द्वापर की बात है हालांकि, लेकिन उस वक्त भी ये लोग थे, ईर्ष्या लोग थे. हाँ, बट अब तो कोई मिलेगा नहीं, इसका परफेक्ट बंदर नहीं. आज भी अच्छे लोग तो आज भी होते हैं, कम होते हैं, होते थे. सो द आंसर इज दैट द डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, क्योंकि हरि के भक्त हरि से ज्यादा दयालु हैं हरि की इच्छा से. ये इसका जवाब, भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक दयालु हैं भगवान की इच्छा से. ताकि क्रेडिट मिलेगा तो किसको मिलेगा? मेरे भक्तों का था, प्रभु भैया बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनके जो डिवोटीज हैं दे आर वेरी मर्सीफुल. सो यस, बट एक बात यहां पर समझने की है, वो ये बात है कि आप देखो चारों क्वालिटीज में से सबसे ज्यादा सटल क्वालिटी और इररिपेरेबल क्वालिटी कौन सी है? ईर्ष्या. ईर्ष्या को बोलते हैं NV, नो वैकेंसी. भक्ति की हो जाती है नो वैकेंसी, खुशियों की हो जाती है नो वैकेंसी. व्हाई? बिकॉज देयर इज NV. और जिस तरह से ना ये पौच तत् न तपस्काय, इससे भी ज्यादा सटल क्या है? न भक्ताय, उससे ज्यादा और सटल क्या है? ना चाचा शिशुए, उससे अधिक भी ज्यादा सटल है अभिसूयति. जैसे काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब क्या होता है? एनवी, ईर्ष्या. लस्ट काम इज ग्रॉस, लेकिन उससे भी ज्यादा सटल और इंटेंस क्या है? एंगर. काम क्रोध, उसको और भी इंटेंस और सटल क्या है? लोभ. काम क्रोध लोभ, उससे भी अधिक सटल और इंटेंस क्या है? मोह. ये मेरा मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कला. ये और सटल है और इंटेंस है. सो काम क्रोध लोभ मोह, उसके बाद फिर मद. मद का मतलब मैडनेस, मैडनेस. और आखिर में पहुंचता है फिर मात्सर्य, यानी कि ईर्ष्या. सबसे अधिक सूक्ष्म और सबसे अधिक इंटेंस ईर्ष्या. सबसे काली क्या है? ईर्ष्या. अच्छा, ईर्ष्या का भला कारण क्या है? ईर्ष्या का दुनिया कारण क्या क्या बनता है? आप किस किस को भगवान के 6 ऐश्वर्य पता है?
कौन बताएगा? हाँ जी बताइए माता जी. यस वेल्थ और रेनंसिएशन. वेरी गुड. और ऑपुलेंस और पावर. ब्यूटी. यस रेनंसिएशन हो गया. और स्ट्रेंथ. वेरी गुड. और नॉलेज. तो ये भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, राइट. और आप देखो यही छह ऐश्वर्य जब भगवान के बिना होते हैं इस दुनिया में, यही छह ऐश्वर्य ईर्ष्या का कारण बनते हैं. जैसे कि सुंदरता. अगर कोई मेरे से अधिक सुंदर होता है, गुड लुकिंग होता है, तो क्या होती है उससे ईर्ष्या. ऐसा नहीं सुंदर है वो, सिर्फ गोरी है. फीचर देखे उसके, चुड़ैल. सिर्फ गोरी है वो, ये लिपादोपी करके आती है, मेबलिन और लैक्मे और ये वो भला डिमका करके आती है. है चुड़ैल है. कभी उसको बिना मेकअप दिखा सुबह सुबह देखिए लाली रप्पा हो रहा होता उसके यहाँ से. ये तो बंठन के आती है यहाँ पर ठुमक ठुमक छमक छल्लो. सुंदरता बिकम्स द कॉज ऑफ एनवी. स्ट्रेंथ. अगर कोई मेरे से अधिक शक्तिशाली होता है उसको देखिए ईर्ष्या होती है. कोई मेरे से अधिक हेल्दी है उसको देखिए ईर्ष्या होती है, राइट. नॉलेज. किसी की नॉलेज अगर ज्यादा होती है तो ईर्ष्या होती है. कहते हैं अरे कुछ नहीं आता, ये कल के छोकरे हैं, इनको क्या पता, हमें ज्यादा पता है, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, सब जानते हैं हम. हाँ जी, हम इनकी जगह होते ना हम ज्यादा अच्छा बता पाते. ये कल के छोकरे वाला क्या बताएंगे. नॉलेज बिकम्स अ कॉज ऑफ एनवी. फेम. अगर कोई हमसे अधिक फेमस हो, आपने डाला यूट्यूब पे वीडियो, उसके व्यू हुए 50, और आपका कोई जूनियर था उसने ऐसे डिंचु डिंचु करते हुए जीके 3 के आगे निकलता हुआ वीडियो बना दिया, उसके हो गए 5,000. 5,000. आई एम व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल, व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल. ऐसे छप्पन टकली लोग कुछ भी बनाते हैं एंड पीपल आर वॉचिंग. डू दे हैव ब्रेन्स? नो. सो अगर कोई मेरे से अधिक फेमस होता है तो भी ईर्ष्या होती है. मेरे से अधिक वैरागी हो, फला फला को वैरागी जी हैं, ज्यादा वैरागी कर रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा. ये वाला ये जो संत लोग होते हैं ना, ये संत लोग जानते हैं. ये जितने अखाड़े वगैरह होते हैं ना, अखाड़ों में बड़ा चलता है आपस में, अरे फला फला अखाड़े का वहाँ कैसे तंबू गड़ गया भैया, ये तंबू हमारा, हमने हर साल हमारा गढ़ता है तंबू, ही गड़ेगा नहीं तो उसको गाड़ देंगे हम. वैराग्य का भी अपना ईर्ष्या वाली दुनिया होती है. कई साधु संत लोग आपस में भिड़े लड़े भिड़े होते हैं. यस, सो दैट कैन ऑल्सो बिकम कॉज ऑफ एनवी. तो इसलिए आप देखो भगवान की जो ऐश्वर्य हैं, जब भगवान के बिना हैं तो ईर्ष्या कार्य करते हैं. और आप देखो लेकिन ईर्ष्या इतनी सटल है कि लोग इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं. आई एम नॉट दैट आई एम एनवियस, आई एम जस्ट बीइंग वेल विशर. हम तो उसके शुभचिंतक होने के नाते बता रहे हैं, पर होती असल में क्या है? हाँ जी. अच्छा, ईर्ष्या वाला कैसे पहचाने हम, ईर्ष्या को कैसे पहचान सकते हैं? अगर कोई तारीफ कर रहा हो तो उसकी अगर हम लगा दें बट, लेकिन, यानी क्या है ईर्ष्या. हाँ, अजीत गोविंद प्रभु एक अच्छे भक्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए, काफी एंथुसियास्टिक हैं और डीसी से इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, लेकिन लेकिन इसका मतलब क्या है? हाँ, वो माता जी अच्छा आलू पूड़ी बनाती हैं, मैंने देखा है उनका यहाँ पर जीके 3 में अच्छा घर भी है, शी हैज गॉट नाइस फैमिली, यू नो, बट ईर्ष्या. हाँ, बाबू जी काफी दान देते हैं, मंदिर में काफी उन्होंने अच्छा कार्य किया है, यू नो, लेकिन. लेकिन का मतलब इससे पहले मैंने जो बताया ना वो सब बकवास है, अब असली माल बताने वाला हूं मैं. लेकिन घटिया आदमी है वो. अरे उसकी हिस्ट्री क्या है जी, हम जानते हैं. ये तो जब ये रहते थे ना मुंबई में झोपड़ पट्टी में, तब से जानते हैं हम इनको. ये तो इनके पिताजी पैसे छोड़ गए, आदमी किसी काम का नहीं है. ये है असली बात, पहले जो बोला था ला 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 ला, लेकिन ये सब है बकवास, ये है असली माल, ईर्ष्या. अच्छा, ईर्ष्या और द्वेष ये सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? क्या अलग अलग होता है फिर?
सेम ही रखना, जुड़ा भाई बहन है दोनों, है कि नहीं? और ईर्ष्या में प्यार होता है, है जी, ईर्ष्या में कंपैरिजन होता है और द्वेष में कोई कंपैरिजन नहीं होता, दोनों एक जैसे ही हैं। वेरी गुड। और तो ठीक है, नेगेटिव में से फिर फोटो किसकी निकली फिर? अच्छा, ईर्ष्या व्यक्ति को बदले की भावना नहीं रहता, ईर्ष्या यार हाँ गले मिल जाएंगे, बस एक डिस्कम्फर्ट होता है भैया, बस बस। आपसे लाइफ में लगता किसी ने ईर्ष्या की नहीं ना, हाँ तभी नहीं बता ईर्ष्या के बारे में। हरीश माधव बहुत लोग करते हैं, मेरे से लोग ईर्ष्या नहीं करते, मेरे से कम्युनिटीज ईर्ष्या करती है। They are not people who hate me. There are communities who hate me. जैसे इस्लामिक मिशनरीज they hate me. क्रिश्चियन मिशनरीज they hate me. या जय भीम वाले they hate me. कम्युनिस्ट they hate me. लेफ्टिस्ट they hate me. लिबरल्स they hate me. तो इसलिए मेरे से नफरत करने वाले लोग नहीं है, मेरे से नफरत करने वाले कम्युनिटीज हैं, they hate me. कहते हैं हिंदू यहाँ भरा रहे हैं क्या गंजा, पवन था आपने आपको, ये हरे कृष्णा वाला अमोघ लीला अपने आपको प्रभु बोलता है, अबे तू प्रभु है सा। एक ने तो वीडियो बना क्या बनाया, उसने त्रिशूल हाथ में लिया हुआ है, कहता है जिस दिन मिल गया अमोघ लीला घुसा दूंगा उसके अंदर, त्रिशूल की वीडियो बनाया उसने, मतलब ईर्ष्या का एक मतलब स्टाइल है, क्या बात है, मजा आ गया हमें देख करके। ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, समबडी एनवीज यू इज एप्रिसिएशन, ये सर आप इतने अच्छे हैं ना, आप ईर्ष्या करने बनती है, जो मिट्टी मिला होता है उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता, जो ऊपर बढ़ रहा होता है उसको देखिए ईर्ष्या होती है, अबे कोई नहीं, एवरी डॉग हैज अ डे यू नो, हर कुत्ते का दिन आया है, साले हंस का भी दिन आया है, पर ये क्या है, ईर्ष्या। लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव्ड, इट वॉज नॉट रियली एन एप्रिसिएशन बट आई टेक इट एज एन एप्रिसिएशन, इतना वो है क्या, अरे कृष्ण भगवान का मार्केटिंग का आदमी है वो, कोई भगत भगत कुछ नहीं है वो, कृष्ण भगवान का मार्केटिंग का आदमी है, आई टेक इट एज एन कॉम्प्लीमेंट, मैं भगवान श्री कृष्ण का मार्केटिंग का आदमी हो जाऊंगा, वाओ, सो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ऑल्दो दिस पर्सन वाज ओके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ईर्ष्या द्वेष में क्या अंतर होता है, चलो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है जी, जैसे मैं और अजीत गोविंद प्रभु, ठीक है, अगर अजीत गोविंद प्रभु के पास है 5 ग्लास मैंगो शेक और मेरे पास है 2 ग्लास मैंगो शेक, और मैं कहूं मेरे को 2 ग्लास मैंगो शेक, ये अजीत गोविंद प्रभु को 5 ग्लास मैंगो शेक, ये ना इंसाफी है, इसको बोलते हैं द्वेष। मेरे पास है 5 ग्लास मैंगो शेक और इनके पास है 2 ग्लास मैंगो शेक, मैं बोलूं इनको 2 भी क्यों दिए, ठीक है, माती आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, कौन समझाएगा माता जी बताओ, दोनों में अंतर क्या, अच्छा दोनों में काला ज्यादा क्या है, किसने द्वेष किसने बोला, चरण दिखाओ माता जी के, ज्यादा काला क्या है ईर्ष्या और द्वेष में से, ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी कि सामने वाले के पास कम है आपके पास ज्यादा है, इवन देन यू आर अनकंफर्टेबल कि उसके पास वो कम भी क्यों है, वो ईर्ष्या है एक्चुअली, यस, इसलिए दुर्योधन की पांडवों के प्रति ईर्ष्या था या द्वेष था, यस, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला अरे तुम यार रख लो इंद्रप्रस्थ भी रख लो हस्तिनापुर भी रख लो, बस 5 गांव दे दो, ये गुड़गांव जैसा कोई गांव दे दो, कहा 5 गांव तो दूर की बात, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, यानी कि ये क्या है, ईर्ष्या। आउट ऑफ ऑल द इमोशंस इन दिस वर्ल्ड, लस्ट एंगर ग्रीड प्राइड एनवी इल्यूजन, द डार्केस्ट इमोशन इज एनवी, इट इज द मोस्ट सटल, इट इज वेरी डीप, वेरी वेरी डीप, और जितने ज्यादा आप टैलेंटेड होते रहेंगे ना उतना ना आपकी ईर्ष्या विल बी टुवर्ड्स मोर टैलेंटेड पीपल, लाइक आप इस किस किसने पौंड्रक का नाम सुना है, इट कम्स एग्जाम्पल इन भागवतम, पौंड्रक वॉज अ पर्सन हु वॉज सुपर टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, मतलब सो टैलेंटेड कि वो दुनिया में किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, वो
बट ही एनवीड ओनली वन पर्सन कृष्णा. द ओनली वन पर्सन कैन सरपास मी एंड दैट्स कृष्णा. सो ही चैलेंज कृष्णा, कृष्णा यू आर नॉट रियल वासुदेव, आई एम रियल वासुदेव. ये तेरा चक्र, ये सब ना ये नकली है, आई एम द रियल वासुदेव. भगवान ने कहा ओके ऑलराइट. सो ये तेरा सब असली कहता है और क्या नहीं तो, और अपना यहां पर स्क्रू लगा करके अपने आए होते चक्र लगाए, बैटरी वाला चक्कर लगाया उसने. भगवान ने कहा तो मेरे पे चक्कर फेंक देना, मेरा गला काट दे मेरा, फिर मैं मर जाऊंगा. देन यू विल बी देयर एज गॉड. तो उसने आके चक्र लिया, चक्र फेंका उसने, चक्र फेंका, चक्र रास्ते में गिर गया वो. भगवान ने कहा फिर से उठा के आ जाओ, बीच में आ जाओ, फिर से उठा के फेंक ले एक बार. उसने फिर गदा फेंकी, गदा भी रास्ते में गिर गई. कहता तो क्या हो गया, तू दिखा तेरा कौन सा बड़ा चक्र है, ये चक्र तेरे को शोभा नहीं देता. कृष्णा ये चक्र मुझे शोभा देता है. भगवान ठीक है ओके टेक इट. सुदर्शन आया, पहले उसकी नकली बाजुएं काटी, फिर उसकी दोनों बाजुएं काटी, फिर खलास. बट दिस इज एनवी. तो इसलिए हर बार व्यक्ति जब ईर्ष्या करेगा तो अपने से थोड़ा एपरेंटली तो थोड़ा सुपीरियर होगा ना, उससे ईर्ष्या करेगा. सो ईर्ष्या इज लाइक दैट. पर ईर्ष्या का लेकिन एक ऑफ शूट भी है, उसको बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग. ईर्ष्या का स्वभाव क्या होता है, वी ऑलवेज लुक इनटू द डार्कर साइड ऑफ द पर्सन, वी डोंट लुक इनटू द ब्राइटर साइड ऑफ द पर्सन. ऑल द एवरीवन हैज गॉट ब्राइट साइड, बट ईर्ष्या में इतना अंधा कर देती है दैट वी ओनली लुक इनटू द डार्क साइड. जैसे कि जब हनुमान जी जब उड़ रहे हैं लंका की ओर, तो एक राक्षसी थी उसका नाम था सिंगिका. उसने क्या किया, हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया उसने. अब हनुमान जी आगे बढ़ नहीं पा रहे, अरे मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा लंका की ओर. नीचे देखा सिंगिका नाम की राक्षसी ने क्या किया, हनुमान जी की परछाई को पकड़ा हुआ था. तो उसे हनुमान जी ने क्या किया था, कौन बताएगा मेरे को, हनुमान जी ने सिंगिका के साथ क्या किया. हनुमान जी ने उसके साथ पोषण पा खेला था. नहीं, क्या किया था, उसके मुख में गए, उसके हृदय में गए और हृदय उसका फाड़ दिया. Why he did that? Because Singhika represents envy. And in envy, we catch hold of only the dark side of the person. छाया क्या है? It's a dark side. So Hanuman ji की उसने परछाई पकड़ी. So इसलिए ईर्ष्या का सिर्फ एक ही इलाज है, उसको फाड़ दो. You have to kill it. आप बाकी जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं ना, उसको आप कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में लगा सकते हो. For example, somebody is very lusty. तो लस्ट को भगवान की सेवा में लगा सकता है. ओके, आई विल गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एंड आई विल मेक देम डिवोटीज ऑफ कृष्णा. सो आई एम एंगेजिंग माई लस्ट इन कृष्णा सर्विस. वी कैन ऑल्सो यूज एंगर इन कृष्णा सर्विस. अगर कोई व्यक्ति भगवान से द्वेष करेगा, भगवान के भक्तों का अपमान करेगा, आई कैन बिकम एंग्री ऑन दैट पर्सन. सो यूजिंग एंगर ऑल्सो इन गॉड सर्विस. अच्छा, ग्रीडी, वी कैन यूज ग्रीड इन सर्विस ऑफ गॉड. बींग ग्रीडी टू हियर अबाउट कृष्णा, बींग ग्रीडी फॉर प्रसादम, बींग ग्रीडी फॉर डिवोटी एसोसिएशन, बींग ग्रीडी टू चैन हरे कृष्णा. ग्रीड, सो ग्रीड भी आपकी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है. इस तरह से सारी बुराइयां कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में लग करके शुद्ध हो जाती हैं. लेकिन एक ही बुराई है जो कि भगवान की सेवा में नहीं लग सकती, ईर्ष्या. बिकॉज इन ईर्ष्या वी कैच होल्ड ऑन टू द डार्क साइड. बोले तो फॉल्ट फाइंडिंग, ये गलती. जैसे इसमें द्रोणाचार्य जी ने पूछा पांडवों से और कौरवों से, एक कुत्ता था, कोड़ी कुत्ता था, उसको कोड़ो रखी थी, बहुत ही गंदा. तो द्रोणाचार्य ने बोला अर्जुन इस कुत्ते के बारे में कुछ बताओ. तो अर्जुन ने बोला इस कुत्ते के दांत बहुत सफेद हैं. और ऐसी सारे और देखें कोड़ रखा था, डर्टी स्टिंकिंग डिसीज प्रोन. लेकिन ऐसा कुत्ता, लेकिन उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का देखी, उसके दांत साफ है. अगर हम तो कहेंगे क्या कोड़ है उसको, गंदा कुत्ता कहीं का ना हो तो. पर ये दृष्टि डेवलप करना टू सी गुड. पर हमारी आज क्या होती है, बुरे में ही आंख पड़ती है. चद्दर में अगर एक कहीं ब्लैक स्पॉट हो ना तो क्या देखेगा, कहते ये ऊपर देखिए, नहीं 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 ये लेफ्ट साइड, कहते मैडम जी सारी चद्दर साफ है, कहते होगी लेकिन वो ऊपर एक दाग है. सो फॉल्ट फाइंडिंग में जो है PhD है लोगों की,
My God. But ideally, we should be the one who transcends looking into the bad, but finding out faults. Yeah, सती जो है, सती आप जानते हैं किनकी पत्नी थी? शिव जी की. तो दक्ष के पास में जब पहुंची, दक्ष ने बोला क्या तुम्हारा पति क्या है, हैं 1 BHK अपार्टमेंट नहीं है उसके पास, किसे बिहारी तुम, दिस दिस दैट, एंड ही वाज इंसल्टिंग लॉर्ड शिवा. सो माता पार्वती ने बहुत सारा गुणगान किया अपने पति का, यानी पत्नी को पहले तुमने पति का गुणगान करना चाहिए. इन्होंने कहा तुमने दिया क्या मेरे को, एक साड़ी ना दी तुमने, हैं 10 साल हो गए शादी को, हैं ये चिकन का सूट मैंने अपने पैसों से खरीदा था. पर सती सीखना चाहिए, शी इज अप्रिशिएटिंग हर हस्बैंड. सो वन ऑफ द क्वालिटी शी सेड अबाउट लॉर्ड शिवा, शी सेज दैट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. अलग तरह के लोग होते हैं. किस प्रकार के लोग होते हैं? सबसे लोअर मोस्ट लेवल के लोग होते हैं, सामने वाले के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, अच्छाई उनको दिखती ही नहीं है, सिर्फ बुराई दिखती है. केस में है क्या बुराई? अगर एक रूप ले लेना मेरी पत्नी बन जाती है, ये बुराई एक रूप लेना मेरा पति परमेश्वर बन जाता है. तो सामने वाले के अंदर ना सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं. दैट्स अ लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब फॉल्ट फाइंडिंग में इतनी एक्सपर्टीज है, अच्छी क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी क्या है जी है, लेकिन शाम को आई थिंक वो आपको दूध गर्म कर देते हैं. दैट्स पार्ट ऑफ हिज प्रोफाइल. डोंट से कि ये कोई बड़ा काम है. क्या करते हैं? खाने के बाद थोड़ा आम काट के देते हैं. सो वॉट, होंगे आम आदमी पार्टी के, आम काट के देते, हंगा करें इसका. बट दी ओनली लुक एट द डार्क साइड, आपको ब्राइट साइड नजर ही नहीं आती. पर इससे ऊंची लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, सामने वाले में अच्छाई भी है बुराई भी है, आपको दिखते दोनों हैं, पर आपका मन का रुझान जाता है बुरे की ओर, लेकिन अच्छा आपको नजर जरूर आता है. राइट, दिस इज बेटर. इससे भी अच्छी क्वालिटी है कि आपको अच्छा और बुरा दोनों समान नजर आता है. यानी हाँ जी, अच्छा भी है, अच्छा वन, अच्छा टू, अच्छा थ्री, और बुरा भी है, बुरा वन, बुरा टू, बुरा थ्री. अच्छा, दिस इज ऑल्सो वन मोर क्वालिटी, वेरी नाइस. इससे भी ऊपर का जो कॉन्शियस है वो है, आपको अच्छाई भी नजर आती है बुराई भी नजर आती है, एंड यू डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज. दिस इज इवन बेटर. एंड देन सती सेज एंड द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज दैट सामने वाले में अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं, बुराइयां दिखती ही नहीं है, सिर्फ अच्छाइयां ही दिखती हैं. दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दैट्स माई हस्बैंड. मेरे हस्बैंड के अंदर, मेरा हस्बैंड इज ऑन दिस 5th कैटेगरी कि सामने वाले के अंदर चाहे कितनी बुराइयां हो, उनके फॉलोअर्स हैं कौन, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये तो हैं शिवजी के फॉलोअर्स. तो शिवजी इन सबके ऊपर कृपा करते हैं बिकॉज ही सीज कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, हर संत का एक अतीत होता है जब वो संत नहीं था. सो व्हाट, यू नो, आई विल गिव देम मर्सी. दैट्स द नेचर ऑफ अ साधु. जैसे हमारे अमेरिका में जब प्रभुपाद जी पहुंचे, सो देयर वाज वन हिप्पी हु बिकम अ डिवोटी नाउ, और उसने शेयर किया, यू नो, श्री प्रभुपाद, नाउ आई हैव बिकम अ डिवोटी, बट आई वांट टू कन्फेस माई शॉर्ट कमिंग्स ऑल्सो. प्रभुपाद ने, हाँ बोलो बोलो क्या हो गया. You know, Srila Prabhupada, before I came to Bhakti, I was in jail. Prabhupada said, it's okay, Krishna took birth in jail. It's fine, no problem. Why you had to go to jail? Actually, I was dealing in drugs, that's why. Prabhupada said, it's okay, I was also dealing in drugs. I had Prayag Pharmacy, mein dawaiyan banata tha, so I used to deal in drugs, taking medicines. It's okay. So, saamne wale ke andar buraiyan hain, hain. पर आपको बुराइयां नजर ही नहीं आती. यू आर नेचुरली इन टू गुड क्वालिटीज. जिससे हम कहीं पर भी हो ना, अगर फॉल्ट फाइंडिंग हो तो उससे तुम्हें क्या सोचना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए सामने जो कमियां हैं ये तो है सुई में छेद, और मैं जो हूं, मैं हूं छन्नी. क्या छन्नी सुई का मजाक उड़ा सकती है? हे सुन सुई, तेरे में छेद है, तेरे में छेद है. सुई बोले विद ऑल हम्बलनेस, शीशे में खुद को देखा. यस, तो हमें खुद को क्या मानना चाहिए? छन्नी. सामने वाले को सुई. तो आसपास जाओ, जहां कहीं आपको कमी नजर आए, कहते अभी हम सामने वाले में कमी देख रहे हैं, मेरे में 1000 कमियां हैं. Yes, हम खुद को तो रेक्टिफाई कर ले पहले. राइट, सो एक बार एक ड्यूटी आया हमारे मंदिर में, आया ये आपके, मैं देखा गमले जो है ना ये साफ नहीं है गमले आपके. तो मैंने बोला गमले साफ नहीं है ना, मैंने कहा ये कपड़ा है जो साफ कर दो. ये सब हमारे से नहीं होते जी. मैं एक्चुअली IIT से पास आउट हूँ, मैं गमले वमले साफ नहीं करता.
सो लाइक महात्मा गांधी उसने से बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. तो इसने आप जो देखें ना कमी है, आप ये देखिए क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना दबाओ. और टेल समबडी हु कैन डू सम काइंड ऑफ चेंज एंड यू शुड ऑल्सो बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग. एनी वे बताते रहो ये हमारा फीडबैक ये है, ये जो आपने वाइट रंग का वाइट वॉश कराया है ये गुलाबी फूलों के साथ इतना जम नहीं रहा है, आप इसको करा दीजिए येलो कलर, आप कराइए जय राधे श्याम. आइए प्रसाद भाई. सो इसीलिए कभी आपको फॉल्ट अगर नजर आता है तो वही फॉल्ट नजर आता तो कुछ करो ना भाई. राइट एक समय ऐसा हुआ देयर वाज एक पेंटिंग लगाई गई चौराहे पे और बताया गया कि जो जो आपको इससे फॉल्ट नजर आते हैं ना प्लीज राइट डाउन. तो कई लोगों ने जो है राइट डाउन करके दे दिया. उसके बाद बताया गया ओके नाउ डू दैट थिंग मतलब ब्रिंग दैट चेंज इन दैट पेंटिंग. कोई नहीं आया पेंटिंग में चेंज करने के लिए, कोई नहीं आएगा. वैसे पर्ची देखते हैं फॉल्ट वन फॉल्ट टू फॉल्ट थ्री फॉल्ट फोर फॉल्ट फाइव ये नहीं करना कुछ नहीं, लेकिन खुद के अंदर भी नहीं करना औरों में कुछ नहीं करना. इसीलिए कमी नजर आए सबसे बड़ी कमी तो यही है कमी देखना. एंड दैट टू विद द एटीट्यूड ऑफ फाइंडिंग अ फॉल्ट नॉट विद द एटीट्यूड ऑफ रिफॉर्मेशन. राइट तो रिफॉर्मेशन के अगर एटीट्यूड से अगर आप करते हैं करेक्शन दैट्स परफेक्टली फाइन. पर ये फॉल्ट फाइंडिंग किससे कनेक्टेड है कहां रूटेड होती है एनवियसनेस में ईर्ष्या. अच्छा तो ईर्ष्या का एनेक्डोट क्या है सॉरी एंटीडोट क्या है. What's the antidote of Krishna consciousness? Krishna consciousness ultimate है माता जी बिल्कुल सही बात है. और absolutely क्योंकि एक जो चीज है जो हम ईर्ष्या में नहीं कर पाते वो क्या है जान निकल जाती है appreciate करने में. जिसमें ईर्ष्या हो ना कहते भाई ये सामने वाली तीन गुड क्वालिटी बताओ है तीन गुड क्वालिटी. अरे ये बहुत बेकार गुड क्वालिटी बतानी है मतलब शरीफ आदमी है मतलब सारे ना मतलब लीवर किडनी फेफड़े बाहर आ जाते हैं प्रशंसा करने में. बट दैट इज द एंटीडोट फॉर एनवी. We should learn to appreciate. पर वो बोलता है लेकिन रूजा आप बोल तो रहे लेकिन ना वो मैकेनिकल होगा. बंदा जो तारीफ आप करा तो रहे हो वो दिल से नहीं आ रही है, जुबान से आ रही है बस. क्या ये नकली काम कराने सर पहले नकली करा लो एक दिन असली भी कराएंगे पहले काम तो करें कुछ. आप सुना ना फेक इट टिल यू मेक इट. Appreciate even fake वाली appreciation है do that करना चाहिए. करते 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 ही एक दिन ये दिल से भी आएगी and know that I am appreciating you. Tongue deep appreciation है heart deep नहीं है पर ऐसे ही heart deep होती है. So we should learn to appreciate. Everyone has got some good qualities पर ज्यादातर देखो क्यों लोग appreciate नहीं कर पाते because पुराने grievances होते हैं. हजबैंड वाइफ में देखा है पुराने ग्रीवियंसेस कभी कभी वो लाइफ लॉन्ग लेके चलते हैं डिकेड्स. आई मेट मन माता जी यार प्रभु जी 2003 की बात है. मैं कहा माता जी 2003 2023 आ गया अब वो दो दशक से आज तक शिकायतें लेके बैठी है दैट शी दैट दिस गाय इंसल्टेड माई मॉम. एंडली पिछले 20 साल में लेकिन प्रभु जी मैंने इनकी माता श्री को इतने सूट ला के दिए इतनी साड़ी ला के दी इतने गोलगप्पे खिलाए इनको इतनी दवाई ला के दी दैट्स Nothing. The real stuff was 2003. और ये 20 साल प्लीज प्लीज कवर अप मत करो आप पाप ऐसे नहीं ढकते. वो grievances ही चल रहे हैं जी पिछले 20 साल के आज तक. तो जो अच्छा भी है उसके लिए भी तारीफ नहीं निकल पाती. God. So you should learn to forgive as well. But yes. Attacking it by bhakti. Once you start glorifying Krishna, आप देखो आपके हृदय से ईर्ष्या ऐसी जाती है. You start appreciating anyone and everyone because you see everyone is from the family of Krishna. अरे किसी ईर्ष्या करें जी ये माता जी है प्रभु जी है भगत लोग ये सब कृष्ण के तो परिवार के हैं.
इफ आई एम एनविंग एनी वन, इनडायरेक्टली आई एम एनविंग कृष्णा कि कृष्णा मुझे आपके परिवार के फला फला बंदे से मुझे ईर्ष्या है जी, बोले दो जी मुझे आपके परिवार से कोई दिक्कत है. सो बट व्हेन वी सी एवरीवन एज फैमिली ऑफ कृष्णा, सो आपकी ईर्ष्या चली जाती है.